Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about H. There are two forms of H. One is downward form and second is upward form. ये इसकी डायरेक्शन है. इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जैसे ही, हाय, हे, ये सब डाउनवर्ड एच से बनेंगे. होप, हैप्पी, हेड, ये सब अपवर्ड एच से. सो इनसे रिगार्डिंग चार रूल हैं हमारे, वो हम क्लियर करते हैं. रूल नंबर वन, व्हेन एच इज़ द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के और गे, देन वी यूज डाउनवर्ड एच. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं ही में ई की साउंड आ रही है तो थर्ड प्लेस और दैट इज थ्रू द लाइन ही. हे में एक ही साउंड आ रही है, सेकेंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन दैट इज हे. सिमिलरली हाई, नेक्स्ट इज हेक, नेक्स्ट इज हेग, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हाईली. हाई फर्स्ट प्लेस पे देन एल, आई का डिप्थोंग एल, दैट इज हाईली. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हाईवे. हाई अबव द लाइन, आई का डिप्थोंग एंड वे विद ए का वोवल. सो ये हमारा रूल नंबर वन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज रूल नंबर टू, दैट इज यूज द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंड टू अदर कॉन्सोनेंट्स. जब हे जो है हमारा एच वो अदर कॉन्सोनेंट से जुड़ेगा तो उसकी अपवर्ड फॉर्म आएगी. जैसे हैप्पी अपवर्ड फॉर्म, देन पी एंड देन वॉवल हैप्पी. सिमिलरली होप, हेड, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैवी. हे एंड वी एंड वॉवल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज होटल, ऑन द लाइन हे टी एंड एल. नेक्स्ट लेते हैं हैंग. हे अपवर्ड देन इंग. नेक्स्ट इज ह्यूज, थ्रू द लाइन एंड जे. नेक्स्ट लेते हैं हरी. इसमें हमने आर में देखा था अपवर्ड कोई एंडिंग हो रही हो उसमें अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, इसलिए हरी. तो ये हमारा रूल नंबर टू कंप्लीट होता है. नेक्स्ट मूव ऑन टू रूल नंबर थ्री. द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी टू फॉर्म दी फ्रेजेस. हमें पता है पी कॉन्सोनेंट कैसे बनता है तो उसको होप कहते हैं जब हम उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं. जैसे आई होप, आई की शॉर्ट फॉर्म देन पी जॉइंट आई होप. सिमिलरली आई होप यू विल, यू इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म एंड एल को हम शॉर्ट फॉर्म मेरी शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो में ये सब आपको मिल जाएगा. Similarly, I hope you are. We hope you will. And we hope you are.
तो ये हमारा होप का पी का कॉन्ट्रैक्शन वाला रूल ख़त्म हुआ। सो हम लास्ट रूल देखते हैं, विच इज़ रूल नंबर 4। द वर्ड ही इज़ रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ फ्रेज बाय द शॉर्ट फॉर्म। ये भी मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म की वीडियो में बताया, एक डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही नेक्स्ट लेते हैं, इफ ही शुड, शुड इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म। कुछ जगह पर ही लिख सकते हैं इसको ही, जब हम इसे फ्रेजेस में यूज़ कर सकते हैं अगर ये यूज़ हो पाए तो, अदरवाइज हम जैसे लिखते हैं ही विल, ही थ्रू द लाइन एंड विल, इसमें हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हम ही सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एच टॉपिक एच, टू फॉर्म्स ऑफ एच कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।